दोस्तों आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा की गई खोजों में ये पता चलता है कि इंसान धरती पर पिछले सालों से मांस खाते आ रहे हैं और यही वजह है कि आज दुनिया में रहने वाले 90% से ज्यादा लोग मांसाहारी हैं। लेकिन हम लोगों के मांस खाने की आदत अब हमारे लिए ही नुकसानदेह साबित हो रहा है क्योंकि हमारी पृथ्वी की जलवायु पर इसका बहुत गहरा असर पड़ रहा है। अब इस तरह अचानक लोगों से उनके मांस खाने की आदत को छुड़वाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और इसीलिए साइंटिस्ट ने लैब ग्रोन मीट के रूप में इस समस्या का हल निकाला है। दरअसल साइंटिस्ट एक ऐसी टेक्निक को खोजने में कामयाब हो गए हैं जिसके जरिए बिना किसी जानवर को मारे इंसानों के खाने के लिए किसी भी जानवर का मांस लैब के अंदर बनाया जा सकता है। तो लैब के अंदर ये मांस आखिर किस तरह से बनाया जाता है और क्या सच में इसे बनाने के लिए किसी जानवर की जान नहीं ली जाती है, ये सब हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि आज के समय में इंसान हर साल लगभग 36 करोड़ 50 लाख टन मांस खा जाते हैं। अब आप खुद सोचिए कि इतनी मात्रा में मांस को पाने के लिए हर साल कितने जानवरों की जान ली जाती होगी। और चूंकि पृथ्वी पर प्लांट बेस्ड फूड की तुलना में मीट से दोगुना कार्बन एमिशन होता है जिससे पृथ्वी की जलवायु पर काफी निगेटिव इफेक्ट पड़ता है और इसीलिए साइंटिस्ट काफी समय से इस समस्या का हल खोजने में लगे हुए हैं। और रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हुए साइंटिस्ट ने अब लैब के अंदर मीट बनाने का तरीका खोज लिया है जिसे लैब ग्रोन मीट और कल्चर्ड मीट के नाम से जाना जाता है। असल में दोस्तों वैज्ञानिकों ने इस टेक्निक को आज से कई साल पहले ही खोज लिया था जिसके चलते साल 2013 में लंदन के अंदर दुनिया का पहला कल्चर्ड मीट से बना बर्गर खाया गया था और तभी से साइंटिस्ट इस खोज को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लैब ग्रोन मीट आखिर बनता कैसे है। असल में ये पूरा प्रोसेस स्टेम सेल नाम के एक स्पेशल सेल पर आधारित है। स्टेम सेल एक ऐसा सेल होता है जो बॉडी में पाए जाने वाले किसी भी सेल में बदल सकता है जैसे स्किन सेल, मसल सेल और लीवर सेल। तो इस प्रोसेस में सबसे पहले साइंटिस्ट को स्टेम सेल की जरूरत पड़ती है जिसे वो डायरेक्टली उस एनिमल के बॉडी से प्राप्त करते हैं जिसका लैब ग्रोन मीट बनाना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर साइंटिस्ट भैंस का मांस बनाना चाहते हैं तो वे भैंस के शरीर से उसके टिश्यू का एक छोटा सा सैंपल ले लेते हैं। इसमें जानवरों को कोई भी दर्द नहीं होता। इसके बाद उस टिश्यू में मौजूद स्टेम सेल्स को बाकी सेल्स से अलग कर लेते हैं और फिर उस अलग किए हुए स्टेम सेल्स को न्यूट्रिएंट्स, अमीनो एसिड्स, ग्रोथ हार्मोन्स और फेटल बोवाइन सीरम यानी FBS के मिक्सचर के साथ एक बायोरिएक्टर में डाल देते हैं। दोस्तों इन सभी चीजों के संपर्क में आने पर स्टेम सेल्स खुद अपनी कॉपी बनाना शुरू कर देते हैं यानी कुछ समय के बाद एक अकेला स्टेम सेल्स करोड़ों स्टेम सेल्स में बदल जाता है। इसके बाद साइंटिस्ट अलग अलग तरह के ग्रोथ फैक्टर्स की मदद से उन स्टेम सेल्स को मसल, लीवर या फैट सेल्स में बदल सकते हैं और इस तरह एक अकेला स्टेम सेल इस प्रोसेस से गुजरने के बाद मांस के रूप में बदल जाता है। दोस्तों अब यहाँ तक का प्रोसेस जानकर ऐसा लगता है कि वैज्ञानिकों ने वाकई एक कमाल की खोज की है जिसकी मदद से न सिर्फ पृथ्वी पर बढ़ते हुए कार्बन एमिशन में कमी आएगी बल्कि साथ ही उन करोड़ों जानवरों की भी जान बच जाएगी जिन्हें सिर्फ मांस के लिए हम मार देते हैं। लेकिन दोस्तों सच्चाई कुछ और ही है क्योंकि इस प्रोसेस के जरिए बनाए जाने वाला मीट जो हमें एनिमल फ्री नजर आ रहा है वो असल में एनिमल फ्री है ही नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मीट को बनाने में जिस FBS सीरम का इस्तेमाल किया जाता है यानी फेटल बोवाइन सीरम, वो बूचड़खानों में काटी जाने वाली प्रेग्नेंट भैंसों के फीटस यानी गर्भस्थ शिशु के खून से बनाया जाता है। दरअसल बूचड़खानों में जब कोई प्रेग्नेंट भैंस काटने के लिए लाई जाती है तो सीरम के लिए उसके फीटस को शरीर से निकाल लिया जाता है। इसके बाद उस फीटस में मौजूद खून को निकाला जाता है। इस प्रोसेस के दौरान साइंटिस्ट उस फीटस को जितना ज्यादा हो सके उतने समय तक जिंदा रखने की कोशिश करते हैं ताकि उससे प्राप्त होने वाले खून की क्वालिटी पर कोई भी फर्क ना पड़े। इसके बाद उस निकाले गए खून को एक खास किस्म की रिफाइन प्रोसेस से गुजारा जाता है और इस तरह रिफाइन होने के बाद जो प्रोडक्ट निकल कर आता है उसी को FBS सीरम कहा जाता है। और दोस्तों इसके बाद उस फीटस की मौत हो जाती है। दोस्तों इस मॉडर्न वर्ल्ड में पैसे कमाने के दो तरीके हैं। पहला आप खुद के लिए या किसी और के लिए काम करते हो और दूसरा जब आप इन्वेस्ट करते हो ताकि समय के साथ आपके असेट्स की वैल्यू बढ़े। एक सिक्योर फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए सिर्फ सेविंग और सैलरी काफी नहीं होती। आपको पैसे से पैसा कमाना आना चाहिए और उसके लिए स्टॉक ट्रेडिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ऐप में आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और यहाँ पर आपको कोई अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज भी पे नहीं करना पड़ता। इनके पास 30+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है और यहाँ 22 लाख एक्टिव यूजर्स भी हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड बैंक डिटेल सबमिट करनी पड़ती है। इस ऐप के थ्रू यू कैन गेट पर्सनल एडवाइजर जो आपको हर जगह पर गाइड करता है और आपको कौन से स्टॉक्स खरीदने चाहिए इसकी भी लाइव रिकमेंडेशन मिलती रहती है
और ये दोनों चीजें फ्री है। दोस्तों अभी अकाउंट ओपन करने पर आपको 25,000 का वेलकम बास्केट मिलेगा जिसमें कई AI बेस्ड टूल्स हैं जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट में आपकी मदद करेंगे। इसके साथ 3,000 का डिस्काउंट कूपन और 1,000 रुपए ब्रोकरेज मिलेगा। यहाँ पर आप मोबाइल ऐप के थ्रू या सिर्फ एक फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो गाइज लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अभी जाएं और डाउनलोड करें मोतीलाल ओसवाल ऐप। दोस्तों सालों की रिसर्च के बाद भी साइंटिस्ट अभी तक इस सीरम को बनाने का कोई और तरीका नहीं खोज पाए हैं। दरअसल सभी सेल्स में एक खास किस्म का मैकेनिज्म होता है जो उनके गलत जगह पर बढ़ने पर उन्हें वार्निंग देता है कि वे गलत जगह पर ग्रो कर रहे हैं, जिसके बाद वो सेल अपने आप डेड हो जाता है। अब लैब ग्रोन मीट के लिए जब स्टेम सेल्स को बायो रिएक्टर में डाला जाता है तो सेल्स का वही मैकेनिज्म उन्हें बताता है कि वो किसी बॉडी में नहीं बल्कि एक ऐसी जगह में बढ़ रहे हैं जहां उन्हें ग्रो नहीं करना चाहिए, और इसके बाद वो सेल्स डेड होने लगते हैं। तो वैसे में किसी बायो रिएक्टर के अंदर मीट बनाने के लिए सेल्स के इस मैकेनिज्म को बंद करना जरूरी होता है, और इस काम को करने के लिए FBS सीरम का इस्तेमाल होता है। असल में इस सीरम का कमाल ये है कि किसी भी तरह के मीट जैसे चिकन, बीफ और फिश का कोई भी सेल इसके संपर्क में आने से ग्रो करना शुरू कर देता है। दोस्तों दुनिया में कुछ और दूसरे प्रकार के सीरम भी मौजूद है, लेकिन सच ये है कि FBS जितना कारगर और कोई भी सीरम नहीं है, और यही वजह है कि आज के समय में FBS ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और दोस्तों इसी वजह से लैब के अंदर एनुअल फ्री मीट का ये प्रोसेस बेमतलब साबित होता है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि FBS को बनाने का तरीका इतना दयनीय है कि लोग इसकी जगह पुराने तरीकों से मीट को खाने को कहीं ज्यादा बेहतर समझते हैं। दोस्तों आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि लैब में बनाए जाने वाले मीट से सिर्फ एक बीफ बर्गर के लिए ही 50 लीटर FBS सीरम की जरूरत पड़ती है, जबकि एक भैंस के फीटस से सिर्फ 150 से 550 ml तक का सीरम ही प्राप्त हो पाता है। अब इस हिसाब से अगर देखें तो सिर्फ एक बीफ बर्गर बनाने के लिए ही 90 से लेकर 333 भैंसों के फीटस की जरूरत पड़ेगी, जो किसी भी तरह से फिजिबल नजर नहीं आता है। दोस्तों FBS सीरम की अगर बात करें तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि इसे दुनिया के किसी और चीज से रिप्लेस किया जा सके। दरअसल इस सीरम के अंदर लगभग 1800 अलग अलग तरह के प्रोटीन्स और 4000 से ज्यादा मेटाबोलाइट्स पाए जाते हैं, जिनके किसी दूसरे चीज में मौजूद होने के चांसेस लगभग ना के बराबर हैं। और यही वजह है कि इस समय एक लीटर FBS सीरम का कॉस्ट $700 के आसपास है, और चूंकि एक बीफ बर्गर के लिए 50 लीटर सीरम की जरूरत पड़ती है तो इस हिसाब से लैब ग्रोन मीट में सिर्फ बर्गर बनाने के लिए $35,000 यानी लगभग 27 लाख रुपयों का सीरम लग जाएगा। हालांकि इस कल्चर्ड मीट का प्रोडक्शन बड़े स्केल पर किया जाए तो यकीनन इस कॉस्ट में कमी आएगी, लेकिन दोस्तों इतना कुछ करने के बाद भी इसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी कि कोई भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। दोस्तों अमेरिका के मशहूर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन द गुड फूड इंस्टीट्यूट के अनुसार आज की टेक्नोलॉजी से लैब में बने 450 ग्राम मीट की कॉस्ट लगभग $10,000 है, जो कि हमारे भारतीय रुपयों में लगभग 7.5 लाख के बराबर है। और इस हिसाब से एक किलो लैब ग्रोन मीट का कॉस्ट लगभग 16,80,000 रुपए निकल कर आता है। दोस्तों एक्सपर्ट्स का मानना है कि वैज्ञानिकों के लिए लैब ग्रोन मीट के इस कॉस्ट को कम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि FBS ही सिर्फ अकेला ऐसा सीरम ही नहीं है जो इसे इतना ज्यादा महंगा बनाता है, बल्कि इस प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली हर एक चीज महंगी है। और जब तक साइंटिस्ट इस मीट को सस्ता बनाने का कोई और रास्ता नहीं ढूंढ लेते तब तक इस खोज का होना या ना होना कोई भी मायने नहीं रखता है, और इसीलिए वैज्ञानिक FBS सीरम को रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरा सिंथेटिक सीरम बनाने पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों को इस मामले में कामयाबी हासिल भी हुई है, लेकिन उन्होंने जो सीरम बनाए हैं वो स्पेसिफिक हैं, यानी वो सीरम सिर्फ एक तरह के सेल पर ही काम कर पाते हैं। हालांकि अभी हाल ही में एक कंपनी ने FBS के अल्टरनेटिव के रूप में एक सिंथेटिक सीरम बनाया है जिसका नाम उन्होंने फास्ट ग्रो रखा है, और कंपनी का दावा है कि उन्होंने इस सीरम को बनाने में किसी भी जानवर के अंग या ब्लड वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन फास्ट ग्रो के ऊपर अभी तक कोई भी ऐसी स्टडी नहीं की गई है जो कंपनी द्वारा किए गए इन दावों को साबित करती हो, इसलिए अभी इसके बारे में कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वैसे अगर इस कंपनी का दावा सच हुआ तो यकीनन ये इस फील्ड के साइंटिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी। हालांकि वैज्ञानिकों के लिए इस प्रोसेस के ओवरऑल कॉस्ट को कम करना फिर भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।